कार ने चार लोगों को कुचला, दो की मौत, दो गंभीर घायल, गांव के सरपंच पर ही कुचलने का लगा आरोप। नीमच जिले के जिरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रामनगर के पास तीखी रुंडी में बुधवार गुरुवार की रात में एक शिफ्ट कार ने चार लोगों को कुचल दिया और कार चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में पट्टूबाई पति नारायण नाथ उम्र 40 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोडूनाथ पिता गंगाराम उम्र 60 वर्ष और करण पिता अमरनाथ उम्र 24 वर्ष एवं पवन भाई पति रोडूनाथ उम्र 53 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय ले जाया गया। साथ ही पीड़ित के परिजन भी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे। यहां से अति गंभीर घायल रघुनाथ और करणनाथ को राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया, मगर रास्ते में ही करणनाथ की उदयपुर ले जाते समय मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नीमच SP अमित कुमार तोलानी जिला चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों से चर्चा की, जहां से वह मौका मुआयना करने गांव के लिए रवाना हुए। घटना देर रात की है। मामले में परिजनों का आरोप है कि गांव के ही सरपंच सुखलाल नाथ ने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने अपनी शिफ्ट कार से पहले टक्कर मारी और बाद में फिर से उन पर गाड़ी चला दी। फिलहाल दोनों मृतकों का नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम रूम में शव रखा गया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस मामले में जिरन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर वारदात की जांच शुरू कर दी है। आप लोग कहाँ के हैं? कल रात्रि में जो घटना हुई, कौन लोग थे, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? सर वो चार पांच जने आए गाड़ी लेके और वहाँ आए तो मेरे अंकल जी खड़े थे, तो हमारे को पता नहीं कि ये झगड़े करने के लिए छुरी नातले बंदूक वगैरह लाठी वगैरह सब लेके आए। तो मेरा अंकल खड़ा था वहाँ और हम तो घर में खाना वाना खा रहे, हमारे को क्या पता, तो आके उसको ठोक दी मेरे अंकल जी वो गाड़ी से। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो रुपरा से रहने वाला हूँ, लेकिन अभी वहीं रह रहा था मेरे। कौन सा गांव? बड़े पापा मिट्टी की रूंडी। हाँ ठीक है। तो फिर वो उनको पटक दिया, मतलब गाड़ी की टक्कर दी करनाथ को। तो फिर हम सब चिल्लाए, वो चिल्लाए तो सब अपने इकट्ठे हो गए, तो सब आए सुन सुन के। तो वो क्या करा, लाठी निकाल के मेरी जो बड़ी मम्मी उसको लाठी से मार के फिर गाड़ी को आगे पीछे करके ठोक ठोक के वो पूरा। कौन है ठोकने वाले? ठोकने वाले क्या नाम है? एक का नाम है नारूनाथ, एक का नाम है सुखलाल नाथ और एक है मोहन सरपंच। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर नारूनाथ। अभी सरपंच का नाम आ रहा, जो वर्तमान सरपंच है कि कौन? वो उधर के पुराने थे। घटना में अपनी तरफ से कौन लोग गायब, मौके पे क्या स्थिति बनी, कौन कौन लोग थे जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, क्या स्थिति है? एक तो मेरे संबंधी है, उनको गाड़ी चढ़ी। नाम क्या है उनका? उनका नाम रोडूनाथ। हाँ ठीक है। और एक का नाम पट्टू भाई, वो मेरी बड़ी मम्मी। तो लाठी के दे के पटक दिया, फिर गाड़ी पत्थर ने लाठी ने बंदूक वो सब हम आ गए, तो क्या बंदूक दिखाने लगे, तो हम डर गए कि सबको मारेगा। तो फिर वो गाड़ी रेविस ले लेके मतलब फूंक दी ने, मतलब घटना में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने घायल है? दो लोगों की डेथ हो गई और एक उदयपुर रेफर है और एक दो यहाँ रेफर। क्या लगता है ये भैया, क्या लगता है ये कि हत्या की साजिश करी गई, क्या कुछ मामला है? फुल बार साजिश करके आए तो मारने के लिए, तो दो को तो मार दिया। पुरानी रंजिश वगैरह थी कि क्या था उनको? क्या आंटी होगी हमारे तरफ क्या है? आप लोग अब मांग क्या चाहते प्रशासन से? चाहते उनको सजा मिले और उनके घर वो दब सोने चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीष नाम। ठीक है, आप आ जाओ। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई? सर मैं तिकी रुंडी रहता हूँ, मैं वहाँ का दामाद हूँ और वहीं रहता हूँ मैं सर 100%। तो हम हमारे घर पे बैठे थे, उन्होंने दो दिन पहले कुछ धमकियाँ वगैरह ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि कुछ छोटा मोटा विवाद था, उस चक्कर में उन लोगों ने धमकियाँ भरे दी थी। हमने उस चीज़ को ऐसा समझा कि चलो जाति पंचायती हम बैठ के सुलझा लेंगे, तो हम उस चीज़ को वापस इतना नोटिस किया नहीं। तो रात के उन लोग खा पी के दारू पानी पी के हथियार धारदार हथियार लेके पिस्टल लेके जो भी सामान थे वो लेके आए। कौन लोग थे सर? वो जो अपने नारूनाथ और जो मोहन नाथ सरपंच का नाम आ रहा है वो है और मेन है सुखलाल नाथ, ये तीन चारों जने थे और उनका लड़का एक उनका लड़का था और उनके साथ कुछ अज्ञात आदमी भी थे। तो उन्होंने जैसे घर पे बैठे थे सर तो उन्होंने लकड़ियों से पहले तो मारा कुटा नीचे गिरा दिया, उसके बाद पत्थर बड़े बड़े उठा के सिर पे डाले, उनके सिर फोड़ दिया पूरी तरह से और फिर हम सारे इकट्ठे हो गए। तो फिर उन्होंने भागने की कोशिश की, उस दौरान सर ये कार वापस रिवर्स लेके भी ठोका, साइडों में से ठोका, ऐसा मार के सर भग गए। कितने लोग घायल हुए, कितनों की मौत हुई, कैसे थी? सर अभी फिलहाल दो लोग की डेथ हो चुकी है। क्या नाम है उनका? एक का है अपने पट्टू भाई और एक उनके पापा हैं
रोडूनाथ जी। और घायल कौन कौन है? घायल है सर रोडूनाथ जी की वाइफ जो अभी उदयपुर रेफर है, और पट्टूनाथ पट्टू भाई का जो देवर है वो अभी जिले चिकित्सालय में एडमिट है। क्या चाहते हैं आप लोग, मांग क्या आपकी? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले उनको, अपराधियों को फांसी की मांग है हमारी, और उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। अभी आप यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है, क्या कुछ उठ रखा सर? फिलहाल तो अभी तो ये पुलिस कोई संतुष्ट नहीं है, अभी तो फिलहाल इनकी कार्रवाई कर रहे हैं, कागज वगैरह कर रहे हैं, अभी तक तो कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा अधिकारी आके अपने को कुछ दिलासा दिया नहीं है कि हम आपका ये करेंगे, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आपका? सर अभय नाम। बहुत ही प्रारंभिक है कि चिताखेड़ा में एक परिवार को किसी कार वाले ने उड़ा दिया है। कार में भी 3-4 लोग थे, और जिनको एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक जो लेडी है जो 40 से 45 साल है, जिनका नाम पट्टू भाई बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको उदयपुर रेफर किया गया है। 1 गंभीर रूप से घायल है जो अभी सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पर जहाँ पर मैं देखने आया हूँ। यहाँ से हम लोग वहीं स्पॉट पर जा रहे हैं जहाँ पर ये घटना कारित हुई है। किसकी गाड़ी थी, कितने लोग थे, क्यों ऐसा किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिर ये लोग कहाँ थे? प्रथम दिशा कहानी बताई होगी, ये लोग कहाँ मेन रोड पे थे या घर पे थे? वही अभी जाकर देखा जा रहा है कि गांव में किस स्थान पे ये घटना कारित हुई है और किस कंडीशन और सरकमस्टेंसेस में ये घटना कारित हुई है।